फेमस एनिमे पोकेमोन में आपने डिटो नाम के क्रिएचर को देखा होगा। इस पोकेमोन के पास दूसरे किसी भी पोकेमोन में बदलने की एबिलिटी थी। ऐश के पास एक मड टाइप पोकेमोन हुआ करता था जिसका नाम था म्यूक। अब इन दोनों पोकेमोन्स में एक सिमिलैरिटी ये थी कि इन दोनों का शेप काफी सिंपल था। अब एक तरफ अगर हम पिकाचू या चारिज़ार्ड को देखते हैं तो इनके हाथ पैर और दूसरे बॉडी पार्ट्स क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन डिट्टो और म्यूक के केस में ऐसा नहीं था। कार्बन, जिसे पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव बना है, ये हमारी बॉडीज को एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देता है। लेकिन अगर हमारी ये दुनिया कार्बन बेस्ड नहीं होती बल्कि कार्बन के बजाय सिलिकॉन बेस्ड होती तो पृथ्वी पर रहने वाले जीव डिट्टो और म्यूक की तरह शेपलेस होते। पर सवाल ये आता है कि क्या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ पृथ्वी पर आज की तरह ही होती या इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते, और कार्बन में आखिर ऐसी कौन सी खासियत है कि भगवान ने इसे इंसानों सहित पृथ्वी के सारे जीवों को रचने के लिए चुना है। दोस्तों, हमारी पीरियोडिक टेबल में 94 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी पर नेचुरली पाए जाते हैं। इनमें से पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, जो इसके टोटल मास का 46.6% है। नाउ रिमेम्बर, जब मैं पृथ्वी कहता हूँ तो इसका मतलब लैंड, ओशियन और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही तीनों चीज मिलकर पृथ्वी को बनाती है। अब दोस्तों, इस लिस्ट में कार्बन 15th नंबर पर आता है और पृथ्वी पर इसका टोटल मास 1% भी नहीं है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी 20% कार्बन से ही बनी हुई है। यहाँ तक कि हमारा डीएनए, जिसमें हमारी सारी जेनेटिक्स इनकोडेड होती है, वो भी कार्बन का ही बना हुआ होता है। अब अगर आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस धरती पर कार्बन की जितनी भी इम्पोर्टेंस है उतनी और किसी भी एलिमेंट्स की नहीं है। यहाँ तक कि हम इंसानों ने कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए साइंस की अलग ब्रांच बनाई हुई है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। पर आपने ऑक्सीजन केमिस्ट्री या सिलिकॉन केमिस्ट्री कभी भी नहीं सुना होगा। तो आखिर एक एलिमेंट जो पृथ्वी के टोटल मास का केवल 1% कंट्रीब्यूट करता है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? वेल दोस्तों, इसके पीछे कार्बन की तीन प्रॉपर्टीज का हाथ है, कॉम्प्लेक्सिटी, अबंडेंस और स्टेबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। जैसे कि हमें पता है कि हम इंसान एक कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं और इनके फंक्शंस में भी बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलता है। अब अगर हम मैथ्स की एक इक्वेशन लेते हैं जिसमें सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जाना है, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और कुछ ब्रैकेट्स भी ऐड कर दे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सिमिलरली, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वो एलिमेंट बना पाएगा जिसके पास काफी सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस एलिमेंट के एटम्स के पास खुद के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी जरूर होनी चाहिए। अब इसे आप लीगो ब्लॉक्स के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। अगर एक ब्लॉक के पास मल्टीपल ब्लॉक्स के साथ जुड़ने की एबिलिटी होती है तो उसकी मदद से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 13th से 16th ग्रुप के एलिमेंट्स के पास लाइफ के बेसिस बनाने की बेस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि ये 2 से लेकर 4 तक कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है अबंडेंस, यानी कि पृथ्वी पर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ऑब्वियसली अगर एक एलिमेंट को लाइफ के बेसिस बनाने हैं तो उसे पृथ्वी पर काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होना ही चाहिए। अब अगर हम 13th टू 16th ग्रुप की पीरियोडिक टेबल पर नजर डालेंगे तो पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर एलिमेंट्स रेयर होते जाते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पीरियड को छोड़कर नीचे वाले पीरियड्स के एलिमेंट्स पृथ्वी पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बोरोन 3 बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी रखता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बना सकता है, पर पृथ्वी पर ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर फास्फोरस भी काफी रेयर एलिमेंट है, तो इस तरह हमारे पास अब कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही बचे हैं। एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। अब यहाँ पर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सल्फर जैसे एलिमेंट्स के साथ लोचा ये है कि ये सिर्फ 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स को ही बना सकते हैं, यानी इनमें दूसरों के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्सिटी की कमी है। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएंगे। अब इन तीनों के आउट हो जाने के बाद हमारे पास सिर्फ 3 पॉसिबल कैंडिडेट्स बचते हैं, जो है कार्बन, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। अब सिलिकॉन पृथ्वी पर पाए जाने वाला दूसरा सबसे अबंडेंट एलिमेंट है और नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर को बनाता है, लेकिन कार्बन अबंडेंस के मामले में इनसे काफी पीछे है। पर जब हम बात करते हैं अपने तीसरे फैक्टर यानी कि स्टेबिलिटी की, तो कार्बन बाकी दोनों एलिमेंट्स को बीट कर देता है।
अब दोस्तों यूनिवर्स में मौजूद हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। नोबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 18 में आने वाले एलिमेंट्स जैसा स्ट्रक्चर। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की मात्रा बराबर होती है, जिसके कारण इनका आउटर मोस्ट शेल पूरा भरा हुआ होता है और इसी कारण ये नॉर्मल कंडीशन में किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। और यही कारण है कि ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। कोई भी एलिमेंट का एटम कोवैलेंट बॉन्ड सिर्फ इसीलिए बनाता है क्योंकि वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है। ये उनकी टेंडेंसी होती है। अब हमारे तीनों एलिमेंट्स भी अल्टीमेटली नोबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की दौड़ में शामिल तो है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स वही एलिमेंट बना पाएगा जिसका एटम टू एटम बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। एटम टू एटम बॉन्ड से मेरा मतलब है सेम एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का होना, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 334 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि सिलिकॉन के लिए ये करीब 196 किलो जूल पर मोल होता है और नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 170 से भी कम है। नाउ फॉर ऑल दीज रीजंस कार्बन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म की रचना के लिए सबसे सुइटेबल एलिमेंट है। यह सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड्स बना सकता है। अब कार्बन लंबी नॉन रिपीटेटिव चेन्स बना सकती है जो आपकी सोच से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। अब देखो साल 2018 में रिसर्चर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने ऐसा कार्बन कंपाउंड बना लिया था जिसमें 6000 कार्बन की एक चेन थी। नाउ यू कैन इमेजिन कि कार्बन से हम क्या क्या नहीं बना सकते। ओपन चेन्स के अलावा कार्बन स्टेबल क्लोज चेन्स भी बना सकता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। अब लंबी और स्टेबल चेन्स बनाने की एबिलिटी के कारण कार्बन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, जो कि डीएनए के एग्जांपल में देखने को मिलती है। पर दोस्तों सिलिकॉन का क्या? चलो मान लिया कि कार्बन लाइफ के लिए बेस्ट एलिमेंट है, लेकिन सेकंड बेस्ट होना भी बुरा बात नहीं है, राइट? तो क्या पृथ्वी पर जीवन सिलिकॉन बेस्ड नहीं हो सकता? वेल, इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे अबंडेंट एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन की जब हम कार्बन से रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और कंटिन्यूअस रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को जन्म देती है। लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम आम भाषा में सैंड यानी कि रेत कहते हैं। अब इससे तो देखो रेत का किला बनाया जा सकता है, लेकिन जीता जागता इंसान नहीं। कंटिन्यूअस रिएक्शन से सिलिकॉन और ऑक्सीजन सिलिकॉन बनाते हैं, लेकिन ये कार्बन और ऑक्सीजन के पॉलीमर्स जितना स्टेबल नहीं होते। वाटर यानी कि पानी, जो हमारी लाइफ का बेसिस माना जाता है, सिलिकॉन को उससे भी अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है। जब सिलिकॉन के डबल बॉन्ड पर वाटर की रिएक्शन होती है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है। इन शॉर्ट, सिलिकॉन से बने जीव या तो बिल्कुल स्टफ टॉयज की तरह फ्लेक्सिबल और वीक होंगे, या फिर पत्थर की तरह स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इनका शेप म्यूक और डिट्टो जैसे पॉकेमोन्स की तरह होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाएंगे। साल 1958 में द ब्लॉब नाम की एक अमेरिकन मूवी भी आई थी, जहां एक अजीब से शेपलेस एलियन क्रिएचर को दिखाया गया था। अब ये सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म की परफेक्ट इमेजिनेशन है, लेकिन सिलिकॉन से बने जीवों की जिंदगी तभी तक होगी जब तक उन्हें पानी से दूर ही रखा जाए, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये वाटर से रिएक्शन करने पर रॉक सॉलिड बन जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई लिक्विड है जो सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म के लिए सुइटेबल हो और वाटर को रिप्लेस कर पाए? वेल, इसका जवाब है जी हाँ, और ये लिक्विड है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसका पीएच लेवल 2-3 के बीच में होता है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर पृथ्वी पर सिलिकॉन से बने इंसान रह रहे होते तो शायद इसके ओशियंस में पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता। गर्मियों में आपका कूलर आप पर पानी के नहीं बल्कि एसिड के छींटे मार रहा होता। इसके कारण पृथ्वी का एटमॉस्फेयर और इसका ओवरऑल टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई हो जाता। मतलब ये अपनी एक्सट्रीम कंडीशन पर पहुंच सकता है और हमारे ग्रह को एक आग के गोले में भी बदल सकता है। साथ ही साथ सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स की रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हमारे कंपैरिजन में काफी कम होगी, क्योंकि दोस्तों सिलिकॉन के बॉन्ड्स काफी वीक होते हैं। और यहाँ पर मैं रिलेशनशिप्स की बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा बल्कि कोवैलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स के लिए ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत नहीं होगी और शायद वो कोई और गैस पर जिंदा रहेंगे। इन शॉर्ट, हमारी पृथ्वी पर पूरी तरह से एक डिफरेंट प्लेस बन चुकी होंगी, जहाँ का एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर अपने एक्सट्रीम लेवल्स पर होगा। अब क्योंकि पृथ्वी की कंडीशंस सिलिकॉन नहीं बल्कि कार्बन बेस्ड लाइफ के लिए ही सुइटेबल है, इसीलिए आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यूनिवर्स के किसी कोने में सिलिकॉन बेस्ड लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी? वेल, इसका जवाब है जी हाँ, हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सैटर्न के मून टाइटन को देखें, तो वहां पर मीथेन और ईथेन की नदियां बहती है।
क्या पता वहाँ कोई ऐसा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा जिनकी लाइफ का बेसिस यही मीथेन और ईथेन होगी। सिमिलरली यूनिवर्स के किसी कोने में ऐसा एक्सोप्लैनेट भी हो सकता है जहाँ की कंडीशंस सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म के लिए सुइटेबल होगी। पर क्या हम इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे जीवों से मिल पाएंगे? वेल, यहाँ पर अपनी राय मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दे आना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।